हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर या फिर मेडिसिन इंडेंट रजिस्टर कैसे बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस चलिए देखते हैं कि स्टॉक रजिस्टर या फिर मेडिसिन इंडियन रजिस्टर कैसे दिखता है। ओके, सो दिस इज़ द रजिस्टर दैट वाज प्रेजेंट ऑलरेडी इन द सब सेंटर। जब मैं आई थी मुझे ये रजिस्टर मिला था, तो मैं आपको ये वाला रजिस्टर अंदर से दिखाती हूँ। ओके, सो ये रजिस्टर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। दिस रजिस्टर इज़ द प्रिंटेड वन। ओके, ये हम लोग को ब्लॉक से मिल जाता होगा। तो ये जो रजिस्टर है, इसमें क्या होता है कि पर पेज पे एक ही मेडिसिन आपको दिख रहा है कि एक ही मेडिसिन एक पेज पे हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट एंड मंथ्स दिया हुआ है, कोई भी मेडिसिन का नाम, जो एक मेडिसिन है जो यहाँ पे लिखा है वो नाम है। देन आपको प्रीवियस स्टॉक कितना बचा है, रिसीप्ट में कितना है और इशूड कितना हुआ है नेक्स्ट डेट के हिसाब से, बैलेंस स्टॉक में कितना बचा है एंड रिमार्क्स। ओके, सो ये जो रजिस्टर है, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, थोड़ा लेंथी भी लग रहा था, बिकॉज आपको हर मेडिसिन के लिए अलग अलग पेज ढूंढ के उसमें एंटर करना है। ओके, सो मैंने इस रजिस्टर को यूज़ नहीं किया है, आई रेदर चोज टू राइट माई ओन वन। तो मेरा वाला कुछ ऐसा दिखता है। ओके, आई जस्ट टर्न एंड शो यू द पेज। तो मेरे रजिस्टर में मैंने क्या किया है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द ड्रग्स, तो जितने भी ड्रग्स मेरे पास हैं उनका सारा का नाम लिखा है मैंने। देन लास्ट लेफ्ट स्टॉक ऑफ लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ में ये जो टैबलेट्स हैं इसमें से क्या स्टॉक बचा है, उनका क्या क्वांटिटी बचा है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। नेक्स्ट जो है वो है स्टॉक इंडेंट ऑफ द प्रेजेंट मंथ, तो इस महीने मैंने जो स्टॉक लिया है, जो रिसीव किया है, उसका जो नंबर है वो मैंने लिखा है, जो क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। साथ ही साथ जो ब्लॉक से मुझे ये जो दो रिसीट मिलते हैं फॉर रिसीविंग दोज मेडिसिन, वो भी मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में पेस्ट कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट है कि टोटल स्टॉक। तो टोटल स्टॉक मतलब लास्ट मंथ का जो लेफ्ट आउट है और इस महीने का प्लस होके मेरा इस महीने का टोटल स्टॉक बनेगा। ओके, एंड देन ड्रग डिस्पेंस्ड ऑन दिस मंथ, इस मंथ में यहाँ से कितना मैंने डिस्पेंस किया है वो मैं इस मंथ में लिखूंगी। एंड देन लास्ट में जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है वो यहाँ पे मैं नोट डाउन करूंगी। ये जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है वो नेक्स्ट मंथ पे लेफ्ट स्टॉक ऑफ लास्ट मंथ ये बन जाएगा। तो ये मेरा फरवरी का इंडेंट है। ओके, एंड देन मैं नेक्स्ट पेज में यहाँ पे क्या करूँगी कि मार्च का मैं बनाऊँगी, साथ ही साथ मार्च में जो मैंने इंडेंट किया था मेडिसिन वो मैं इस पेज में पेस्ट कर दूँगी। आपके लिए ये एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आप डेली जो इंडेंट करते हैं उसका रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे। तो उसके लिए एक और रजिस्टर मैंने सिंपल सा बनाया है, उसमें कुछ भी झंझट नहीं है, एक बार उसको देख लेते हैं। ये है मेरा नॉर्मल ड्रग रजिस्टर। ओके, इसमें एनसीडी के मेडिसिन्स नहीं आएंगे, जो एनसीडी को छोड़ के, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, वो सब को छोड़ के जितने मेडिसिन है वहाँ, यहाँ पे मैं उसको इंडेंट करती हूँ। तो देखते हैं ये कैसे दिखता है अंदर से। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है। मंथ ऑफ फेब्रवरी दिया गया है, इसमें नेम ऑफ द ड्रग है, देन डोज है, कितना डोज का वो मेडिसिन है, कितना अमाउंट का है और कितने दिन का है। सो सपोजिवली आपका आज का डेट है 23, तो अगर आपको आपने फॉलिक एसिड दिया है आज के डेट में, कितना दिया है, जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका टोटल बना के आप लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने टोटल में 30 फॉलिक एसिड्स डिस्पेंस किए हैं आज, तो उसका आप नंबर लिख देंगे। तो आपको बार बार पेशेंट का नाम लिख के उनका अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर राइटिंग दिस इनटू द रजिस्टर, यू कैन नोट डाउन अ रफ पेज जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस पेशेंट को मैंने इतना दिया है। लास्ट में आप कैलकुलेट करके यहाँ पे आप उठा सकते हैं। तो पर डेट का पर्टिकुलर मेडिसिन कितना डिस्पेंस किया है वो आपको मिल जाता है। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट दैट यू विल बी ट्रांसफरिंग इट टू द मेन रजिस्टर। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई हैव फाउंड टू कीप अ ट्रैक ऑफ माई मेडिसिन स्टॉक। सो दिस वॉज इट गाइज, होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इनमें से कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कम्फर्ट जोन। ओके, इट्स नॉट फोर्सफुल कि आप कोई भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है। इट द मेन पर्पज इज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर स्टॉक्स। तो आप कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू फील हेल्पफुल। ओके, एंड अगर आपको रजिस्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस रजिस्टर्स के फोटो चाहिए तो यू कैन ऑल्सो गो टू माई इंस्टाग्राम पेज एंड देयर आई विल बी अपलोडिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस रजिस्टर। जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में मैंने बनाया है वो मैं अपलोड कर दूंगी। सो
सो प्लीज चेक दैट आउट। ओके, इस वीडियो में इतना ही, अगले बार मिलूंगी किसी और रजिस्टर के साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।